हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेट ए बी बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 इफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1/2√2, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1/729, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर तुम डिटरमिनेंट करते हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स ए से एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये तो एक बात हो गई। और मान लेते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है, तो ऐसे केस में ये जो के है इसको बाहर निकाला जाता है और के की पावर 3 लिख दिया जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को अलग कर लिया जाएगा। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी चीज ये। अब हम तीसरी चीज देखते हैं। अगर हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x3 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको हम लिख सकते हैं, जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसका स्क्वायर। ठीक हो गया? तो आपको पहले ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 2b एडजॉइंट 3a, इस पूरे का हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। पहले तो आप देख सकते हैं कि 2b एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो जो सबसे पहली मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इस वाली प्रॉपर्टी का पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ और दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2b मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट 3a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ऊपर आपको करके बताया था कि के ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, के को बाहर लिखने पर वो के की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ए एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां पर भी अगर मुझे इस 2 को बाहर निकालना है इस 2b मैट्रिक्स से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी को अंदर रखा जाएगा। अब आते हैं इसमें। हमने एक फॉर्मूला ये देखा था कि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये क्या लिखा है, एडजॉइंट ए। तो अगर मैं इसी में क्या करूं, ये एडजॉइंट ए ना होकर एडजॉइंट 3a होता तो फिर हमें यहां पर लिखना पड़ता 3a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो वही हिसाब किताब यहां पर भी चलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अब ये 2 का क्यूब तो 8 हो गया। बी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है क्वेश्चन में 1/729 दे रखा है। अब आप खुद सोचें इसको कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि के ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसको आप लिखेंगे के क्यूब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और अगर यहाँ स्क्वायर है तो फिर यहां पर भी स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा K6 A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। यही चीज यहां पर भी करनी है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये 8/729 तो रहेगा रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 डिटरमिनेंट A का स्क्वायर। यह है 8/729। अब 3 की पावर 6 जो है ये भी आपके पास होता है 729। अगर तुम इसको देखोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 1/2√2 दे रखा है और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब ये कैंसिल हो गया, 8 ऊपर रहा। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 1/8। 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओ तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। इस तरीके से हमने इस पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है।